अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी महान और जीवित खुदा हैं, आप सामर्थ्य और भेयोग्य खुदा हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जयकार करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा। और इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए, इस भोर के लिए, इस नए समय के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया और जीवितों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, इस समय के लिए खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उस अंधेरे में से हमें छुड़ाया, उस पाप और अपराध की दुनिया से मुझे और आपको छुड़ाया और एक नई जिंदगी में, एक नई रोशनी में हमें प्रवेश कराया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप को, अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे मेरे प्रियो, क्योंकि वही जिंदगी है, वही बंदगी है और उसी नाम में आशीष है, उसी नाम में अनंत जीवन है। उसी नाम को धन्य कहें और उस नाम को ऊंचा करें मेरे प्रियो। यीशु नाम, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, इसलिए अपने आप को, अपना जीवन, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो भी कार्य करते हैं प्रभु को अपना सम्मुख रखकर, प्रभु को अपने अंदर रखकर, प्रभु से पुकार कर, उसे स्मरण करके, उसे याद करके सब काम करें। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को सुन लेता है। वो कोई मूरत नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है मेरे प्रियो कि हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने। वो ऐसा खुदा है कि हम पुकारें और वो सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा और मैं तुझे चंगाई दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में मेरे प्रिय, जो कोई परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर पिता अनंत जीवन देता है। परमेश्वर पिता पर जो विश्वास करता है प्रभु यीशु के नाम से, उसे अनंत जीवन और
उद्धार मिलता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यहोवा कहते हैं मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खामा बाबा रा सिखा ना ला रा रा बा रा बा ना ला रा थी ना ला रा 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 बा। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, भरोसा करें, और परमेश्वर पिता आपको सब प्रकार के तकलीफ से छंगाई देगा, बेरोजगारी से छंगाई देगा, कर्ज से छंगाई देगा, बीमारियों से छंगाई देगा, छुटकारा देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर पिता है। उस परमेश्वर पर जिसने भी भरोसा किया उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो कोई परमेश्वर पिता पर विश्वास करेगा उसे कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छुएगा और उसे छंगाई देगा, सब प्रकार की बीमारी से, सब प्रकार के कर्ज से, सब प्रकार की तकलीफों से वो छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस खुदा के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए, पिता में आगे बढ़िए, विश्वास में आगे बढ़िए मेरे प्रियो। क्योंकि उसने खुद कहा है मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। इसलिए मेरे प्रियो अपना जीवन खुदा के हाथों में समर्पित करें, पिता के हाथों में समर्पित करें अपने आप को, अपने जीवन को, अपना सब कुछ जितना भी परमेश्वर पिता ने आपको दिया है वो सब को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित कर दे। फ्रेंड्स द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम अपना जीवन तेरे हाथों में दे देते हैं परमेश्वर पिता। हम अपना कार्य, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, हम सब कुछ जो तूने हमें दिया है हम तेरे हाथों में रख देते हैं, क्योंकि तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। हम जितने भी हैं पिता परमेश्वर हम तेरे ही हाथों में सुरक्षित है परमेश्वर पिता। तेरी पवित्र आत्मा से हमें छू कर पवित्र कर दे, आपकी पवित्र आत्मा हमें छूने पाए, हमारे हृदय को टच करे, आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, और यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारी चलकर राख हो जाए, भस्म हो जाए। धन्यवाद खुदा तूने प्रार्थनाओं को सुना, विशेष करके पिता परमेश्वर जो बीमारी की हालत में है, जो कई सालों से कई महीनों से बेड पर पड़े हैं, पैरालिसिस की जो बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से तेरे प्रियों के जीवन से, शरीर से निकल निकले में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में छू लीजिए और चंगाई दीजिए, जिनको पिता परमेश्वर पैरालिसिस से प्रभु जो उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, वो पिता परमेश्वर अपने आप को उठा नहीं पा रहे, परमेश्वर पिता उनके घुटनों में टखनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, आज यीशु के नाम में चलने लगेंगे, आज यीशु के नाम से वो उठ खड़े हो जाएंगे, आज यीशु के नाम से उनके वो बल मिल जाएगा यीशु के नाम से। खामा बाबा रा सिखा ना ला रा रा बा। यीशु के नाम से जितने जिनके किडनियां खराब है यीशु के नाम से किडनियां स्वस्थ हो जाए, जिनके फेफड़े और लीवर खराब है वो स्वस्थ हो जाए, पहले चंगे हो जाए, जिनको कैंसर है परमेश्वर पिता, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको थायराइड है परमेश्वर पिता, जिनको मिर्गी आती है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाए, चंगाई को प्राप्त करे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त करे, क्योंकि आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। राबा संदा राबा ना ला रा थी ना ला रा रा राबा रिखा ना ला रा थी ना ला रा रा राबा। यीशु के नाम से तेरे बेटे आप बेटियों को चंगाई दीजिए प्रभु, जिनकी किडनियां खराब है प्रभु यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। शुगर की बीमारी वो पिता परमेश्वर सब प्रकार की बीमारी जितने भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए, तो चंगा कर परमेश्वर पिता। जितने भी आज बेरोजगार से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगार में हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बोझ से दबे हैं पिता परमेश्वर, जो बोझ से दबे हैं, कर्ज से दबे हैं प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई छुटकारा दे। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। बाबा बाबा रस्य कर। मेरे प्रियो हो सकता है आप कर्ज से दबे होंगे, प्रभु के चरणों में आ जाइए, आपको वही छुड़ाएगा, आपको वही बचाएगा, आपको वही संभालेगा, वही आपको शांति और तसल्ली देगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पिता आपके साथ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए कुचले हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच में मेरे खुदा उन्हें तुम विश्राम दे, शांति दे, और सब प्रकार की बेरोजगारी, सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए, और उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, व्यवस्था कीजिए परमेश्वर पिता, उनके जॉब लग जाए प्रभु, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद खुदा,
धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर पिता आप दया करें, परमेश्वर पिता आप दया करें, रहम करें, आशीषित करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदा पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते जिन्होंने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, उन्हें का सिलेक्शन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। और जितने भी पिता परमेश्वर जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो, किसी भी हालत में उनका प्रमोशन हो परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन उनका बिजनेस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए प्रभु। उनकी चिंताओं को दूर कर दे, उनकी चिंताओं को दूर कर दे, उनकी मुश्किलों को आप खत्म कर दे परमेश्वर पिता। विशेष करके पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे, सुनहरा भविष्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर, जितनों का भी वो पिता परमेश्वर बोर्ड एग्जाम है प्रभु, यीशु के नाम से ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे। अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने एरियाओं में टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए परमेश्वर। कॉलेजेस के जितने भी बच्चों का एग्जाम है तो उन्हें पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इस बात के लिए पूरा पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर। हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित करें, यीशु के नाम से हानि नुकसान से बचा, उन्हें कर्ज से आजाद कर दे, छुटकारा दे परमेश्वर। सब प्रकार का बोझ उनके ऊपर से उतर जाए, ओ गरीबी का बोझ, कर्ज का बोझ खत्म हो जाए, शांति और तसल्ली दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद थोड़ा सा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनाना। तो विधवाओं का स्वामी आप है, उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर आप है, उनकी चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर आप है, उनके घाव को छंगा करने वाले परमेश्वर आप है, यीशु के नाम से आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु, आप दया करें, दया करें, दया करें परमेश्वर। किसी भी हालत में उनके वंश उत्पन्न हो, वंश उत्पन्न हो, किसी भी हालत में प्रभु आप दया करें प्रभु। उनके घाव को छंगा कर, उनके घाव को छंगा कर, उन्हें तू इलाज कर अपने हाथों के द्वारा। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर, पिता परमेश्वर गर्भ गिराने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, गर्भ को रोकने वाली शैतान की शक्ति खत्म हो जाए, उनके कोख को खोल दे, गर्भ ठहर जाए। किसी भी हालत में परमेश्वर पिता तू दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर पिता। आप रहम करें परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। तूने खुद कहा क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं मेरे खुदा, नहीं मेरे पिता, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए तेरे लोगों को वंश दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी में है प्रभु, हो सकता तेरे दास, तेरे लोग पिता जितने भी कोर्ट कचहरी में प्रभु, उनको छुड़ा ले, बचा ले प्रभु। तू उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। जिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सब प्रकार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, नशा खत्म हो जाए। जितने भी नशा करते हैं उनका नशा बेकार लत छूट जाए, नशे की लत छूट जाए, गुटखे की लत छूट जाए, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा करने की लत छूट जाए प्रभु। आप दया करें, प्रभु आप दया करें, और पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, पति पत्नियां प्रेम से रहे परमेश्वर, एक दूसरे के साथ रहे। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। उन जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके विवाह नहीं हुए प्रभु, सही समय पर उनका विवाह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब प्रकार के बाधाएं और रुकावटें खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, तेरे ही हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। जो भी घर बना रहे प्रभु, उनको घर बनाने के लिए तू सहायता और मदद कर, कंप्लीट कर, परिचय कोड़ी का प्रबंध और व्यवस्था कीजिए। तेरे दास और दासी जितने भी तेरी सेवकाई करते हैं, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, और जगत के अंत तक पिता परमेश्वर तू उनके साथ है, और जगत की छोर तक वो तेरे गवाह ठहरने के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे और सब कुछ सिखाने वाले बने परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। एक बार फिर से जितने भी बीमारी के हालत में अपना दृश्य हड़बड़ा कर छूटे और चंगाई दे, उनका इलाज कर और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। इस बात के लिए पूरा पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में समर्पित करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब दीजिए। पढ़ने वाले को ज्ञान और बुद्धि और समझ पवित्र आत्मा दे खुदा। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु यहोवा कहते हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। इसलिए विश्वास करें प्रभु में, आगे बढ़े। सबको जय।